Now, a question है, if a 50 पैसे coin and 1 rupees coin are allowed to roll down an inclined plane from the same height, which one will reach the ground earlier? 50 पैसे coin and 1 rupees coin, both are disc, दोनों डिस्क हैं, बस एक की रेडियस कम है और दूसरे की रेडियस ज्यादा है। तो हम आपको जानते हैं कि अभी हमने आपको बताया कि अगर एक ही हाइट से, एक ही इंक्लाइन प्लेन से कोई भी बॉडी रोल करती है तो उनके लिए टाइम क्या होता है। दिस टाइम विल बी इक्वल टू 1 upon sin theta under root beta एंड 2h/g, राइट। अगर सेम इंक्लाइन प्लेन से कोई भी बॉडी रोल कर रही है तो उस इंक्लाइन प्लेन के लिए थीटा क्या, थीटा कांस्टेंट होगा, एच कांस्टेंट होगा, जी कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट बीटा, राइट। और इसको ये कह सकते हैं कि बीटा क्या है, अंडर रूट 1 plus k² / r² राइट। तो जिसका k² / r² का वैल्यू ज्यादा होगा, राइट, उसको ज्यादा टाइम लगेगा। नाउ देखिए, 50 पैसे कॉइन और 1 rupees कॉइन बोथ आर डिस्क, और एक डिस्क के लिए k² / r² का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाफ mr², और इसको हम लोग ये कर दें mk² से, तो कितना हो जाएगा k² भाई, देखिए k² / r² का वैल्यू mm कैंसिल हो गया और k² / r² का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ k² / r² का वैल्यू हाफ आएगा, दोनों के लिए हाफ आएगा, इसलिए टी दोनों के लिए सेम होगा एंड बोथ विल रीच ऑन सेम टाइम। ओके।